तो स्वागत है आप सबका। आज हम बॉलीवुड के एक्टर्स और उनके फैंस के बीच लड़ाई पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जॉनी ब्राइम बोल रहा है कि बेटा एक्टर कौन है, तू है क्या? मैं हूं ना, तो भोसड़ी के मेरे कैमरे के सामने क्या कर रहा है, चल भाग यहां से। और जॉनी ब्राइम ने बिल्कुल सही किया, मतलब शक्ल देखो इस बंदी की, साला शक्ल से रेपिस लगता है। और कम से कम जॉनी ब्राइम ने इसकी इज्जत तो रखी, पीछे सिर्फ एक धक्का मारा। यहीं पे अगर परेश रावल होता ना, खींच के एक टपली लगा तो और बोलता। उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। तो अगले वाले क्लिप पे बढ़ते जहाँ पे जया बच्चन बड़ी गुस्से में है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या क्या होते, तेरे बाप के तीसरी नंबर की बीवी है क्या? अपने माल समान, मेरा मतलब माँ समान भाभी को नाम से पुकारता है भोसड़ी क्या? इस वीडियो में गोविंदा साहब बहुत गुस्से में, और उनका गुस्सा जायज भी है। मतलब वो किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार इनके लॉकेट में फोकस कर रहा है। अभी आप किसी से बात करो, अगर वो आपके लॉकेट में फोकस करे, आप क्या करोगे? यही करोगे जो गोविंदा भाई ने किया। और एक बात अच्छी है इस वीडियो की कि इस बंदे ने गोविंदा के छाती पे फोकस किया। यही अगर किसी लड़की के छाती में फोकस किया रहता तो छाती छाती ना रहता और कैमरा मैन तो कहीं का ना रहता। अगले वीडियो में तो हमारे अपने सलमान खान ही गुस्सा हो चुके हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सलमान खान पहले बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से कोई चिल्ला के बोलता है, कटरीना को भी रणबीर कपूर ठोकता है। तो ये बोलता है, अभी तेरे पास 7 दिन है, 8वें दिन आके मैं तेरे को ठोकूंगा अपने हाथों से। तो 8वें दिन जब सलमान उस बंदे के घर पे पहुंचता है, तो सलमान देखता है वो बंदा तो अपने बीवी के हर मैदान फतेह करने पे लगा हुआ है। लेकिन सलमान को उस बंदे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए सलमान उस बंदे को उसी हालत में ठोकने लगता है। ठोकने से मेरा मतलब मारना था। लेकिन उस बंदे की बीवी जैसे तैसे करके उठ के जाती और पुलिस को फोन करती, और ये बंदा बाल बाल नहीं बसता है, सिर्फ बाल ही बसता है। और तब तक ये पुलिस वाला पहुंच जाता है और बोलता है, ये आपने क्या किया, अभी आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होगा और आप जेल जाओगे। तो सलमान खान बोलता है, जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। तो आज के आखिर के वीडियो क्लिप में बढ़ते हैं जहाँ पे ऋषि कपूर गुस्सा होते हुए दिखाई दिए। तो ऋषि कपूर को पूछा जाता है कि क्या आपको आपके बेटे और आलिया भट्ट के रिलेशन के बारे में मालूम है? तो ऋषि कपूर बोलते हैं, अरे तुम्हारी माँ का चूतिया, मेरा बेटा दीपिका के साथ रहे, कटरीना के साथ रहे, आलिया के साथ रहे, तुझे क्या? तेरे बाप के पैसों से कर रहा है कि तेरी बहन के साथ कुछ कर रहा है? तुम लोग जीने दो मेरे बेटे को शांति से। और साला वो दिन दूर नहीं जब मेरा बेटा आलिया भट्ट के हर एक मैदान को फतेह करने की कोशिश कर रहा होगा, और तुम लोग वहां भी कैमरा लेके पहुंच जाओगे और पूछोगे कि सर पूरा इंडिया जानना चाहता है आपको मजा आ रहा है कि आपको दुख रहा है, साले चूतियो भागो यहाँ से। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हर मैदान फतेह करना है तो फेसबुक में लाइक और फॉलो करना ना भूलिए, कमेंटेटर नाम है हमारा, सर्च कीजिए हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।